हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफो। माय सेल्फ अंदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल फार्मेसी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का, यह सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन सोशल फार्मेसी। हम पढ़ चुके हैं, आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें। आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा डेफिनेशन और स्कोप के बारे में, दूसरा सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें तो सोशल फार्मेसी हमको पता है कि जो सोशल पर्सपेक्टिव होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात होती है, तो उसी तरह हम डिफाइंड एज अ डिसिप्लिन डीलिंग विद द रोल ऑफ मेडिसिन। आपके रोल ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन का रोल है वो किस के रिगार्ड्स में देखना, आपको सोशल, साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम मेडिसिन के रिजल्ट्स को देखेंगे। इसका स्कोप काफी बड़ा होता है। सोशल बिहेवियर देखेंगे, सोशल आपका जो एनवायरनमेंट होता है उससे देखेंगे, फिजिको सोशल पैरामीटर रहता है, इकोनॉमिक एक जो पैरामीटर रहेगा, और ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन। इसी के साथ जो सोशल फार्मेसी होती है उनमें हम क्या करते हैं, जो पॉलिसीज बनती है उनको एनालाइज भी करते हैं। या तो आपका लोकल बॉडी कोई पॉलिसी बना रही है, नेशनल बॉडी बना रही है, इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे। जैसे अभी हम बात करें तो WHO हमको गाइड कर रहा था इस कोरोना वैक्सीन के बारे में और कोरोना के टाइम पे क्या क्या चीजें करनी है। तो यहां पर जो पॉलिसी हो रही है उसको एनालाइज करना है, किसको, सोशल फार्मेसी को, या जो सोशल फार्मेसी में जो लोग काम करते हैं उसको एनालाइज करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं। अब इट स्पान अ वैरायटी ऑफ थीम्स, ये काफी सारी थीम्स में काम करती है, जैसे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। मेडिसिन यदि कोई बन रही है तो किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरह से उसका यूज होगा। एक पार्ट इसका होता है इकोनॉमिक्स एंड फिनांसिंग, फिनांसिंग भी, फिनांस भी करती है। जैसे अभी बहुत सारी हम देखेंगे कि जो कुछ पुअर कंट्रीज है वहां पर दूसरे देशों ने वैक्सीन दी है, तो ये फिनांसिंग हो गई। इकोनॉमिक्स आपका किस तरह से पैसा है, डिसीजन मेकिंग का काम करती है। हेल्थ बिहेवियर क्या है पर्टिकुलर उस एरिया का, हेल्थ का नॉलेज क्या है लोगों के बीच में और उसको क्या नॉलेज है वो आप ऊपर तक प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ बिलीफ्स, भरोसा, विश्वास कितना है लोगों का, हेल्थ लिटरेसी, हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी। हेल्थ और फार्मास्यूटिकल पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाना और लोगों के डिसीजन फार्मास्यूटिकल कंपनी तक पहुंचाना। फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, अब फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स किस तरह से काम करा, सपोज करो किसी दवाई आपने कुछ मेडिसिन बनाई और वो पेशेंट को दी, पेशेंट को देने के बाद जो इफेक्ट उसके देखने को मिले या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, तो ये आप इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये कौन करता है, सोशल फार्मेसी वाले जितने भी लोग होते हैं ये उस इंफॉर्मेशन को फार्मास्यूटिकल कंपनी तक भेजते हैं कि इसमें ये चेंजेस की जरूरत है। उसी के साथ फार्माको एपिडेमियोलॉजी, फार्माको एपिडेमियोलॉजी की यदि बात करें तो ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। उसी तरह फार्माको विजिलेंस, फार्माको विजिलेंस में यहां पर हम देखेंगे कि जो ड्रग बना है, जो दवाई दी है, उसका साइड इफेक्ट कितना हो रहा है पेशेंट पर। अब बात आती है सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। अब हम पहले बात कर चुके हैं, पहले वीडियो में हमने बात करी थी कि जो सोशल फार्मेसी है वो किस पे एड्रेस करती है, पेशेंट पे। पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, यूजर, और इसी को हम बोलते हैं कस्टमर। अब इसको आपने ड्रग और मेडिसिन दी है तो यहां पर आपका क्या काम आता है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं लाइफ। तो सबसे पहले जो सोशल फार्मासिस्ट होता है वो क्या करेगा, व्हाई इज द पेशेंट टेकिंग, क्यों पेशेंट ये दवाई ले रहा है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरा, और नॉट टेकिंग, फिर क्यों नहीं ले रहा है, दोनों चीजें हैं। अ मेडिसिन एज इट वॉज प्रिस्क्राइब, यदि प्रिस्क्राइब्ड है तो वो क्यों नहीं ले रहा है, और नहीं ले रहा है तो क्यों नहीं ले रहा है और क्यों ले रहा है, दोनों चीजें आप देखेंगे। What kinds of drug information has been effect on the patient understanding and where should it be provided? कौन सी ऐसी प्रोडक्ट की या कौन सी ऐसी उस ड्रग की इंफॉर्मेशन है जो पेशेंट को बताने से वो काफी इफेक्टिव रहेगी, पेशेंट उसको समझेगा और उसको प्रॉपरली उस मेडिसिन को लेगा। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है, जो आपका सोशल फार्मासिस्ट है उसको ये देखना है कि किस समय उसको इसके बारे में बताना है, ये बहुत जरूरी है। किसी को ब्लड कैंसर हुआ, वो आया बोले यार डॉक्टर के यहाँ से दिखा क्या, और बोले अरे ब्लड कैंसर आप बच ही नहीं पाओगे, तो कुछ सोच के समझ के किस समय क्या बोलना है, कौन सी मेडिसिन का क्या इफेक्ट होगा, किस समय उसको बताना है, ये आपका सोशल फार्मासिस्ट का
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. हाउ कैन अ फार्मासिस्ट मोस्ट इफेक्टिव आइडेंटिफाई अ पेशेंट ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम साइड इफेक्ट. अब यहां पर बात आ जाती है, ये सोशल फार्मेसी है जो, अब फार्मासिस्ट किस तरह से पता करेगा कि पेशेंट को कौन सी ड्रग की प्रॉब्लम है, किससे साइड इफेक्ट हुआ है. हाउ कैन न्यू फार्मास्यूटिकल सर्विस फॉर द पेशेंट कस्टमर बी इंप्लीमेंटेड इन द हेल्थ केयर. अब दो चीजें होती है, या तो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी ने नई सर्विस प्रोवाइड की है, या आप पेशेंट के थ्रू देख रहे हैं कि यह सर्विस होना चाहिए. पहले क्या होता था, रोटा इनहेलर आप देख रहे हो, पहले किसी पर्सन को अस्थमे की प्रॉब्लम है, अस्थमा है किसी को, तो अब वो रोटा इनहेलर पंप से प्रेस करेगा ठीक हो जाएगा, यदि वो नहीं होगा तो पहले सीधा नेबुलाइजेशन के लिए जाएगा. तो ये पॉसिबल है क्या? तो ये मार्केट से चीजें रिटर्न आती है और ये सब चीजें आपको देखेंगे तो ये फार्मास्यूटिकल सर्विस है. इस तरह से आपका जो सोशल फार्मेसी है ये लोगों के पब्लिक को, हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है. थैंक यू.